मैं आपको अगले 2 मिनट में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपके एग्जाम में 40 मार्क्स कटने से बच पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा मेरी वीडियो कभी मत देखना, क्योंकि मेरे को पता है मैं आपसे एग्जाम टाइम में वो कीमती 2 मिनट ले रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है अभी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि एग्जाम में किन 2 वजह से हमारे मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको सीधी सीधी बात समझ में आती है। अब ऐसा नहीं करना है कि आते तो आपको 5 क्वेश्चन है बट बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही थी इस वजह से आपने एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा दिया कि आप 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ट्राई करना है जितने ज्यादा इवन आई कैन से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। उसके बाद आपको मार्क्स मिलते हैं दूसरी वजह वर्किंग नोट्स, जितने ज्यादा प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं करना है कि कैलकुलेशन सारी की सारी आप अपने कैलकुलेटर पर करके आ गए और वहां पर शो नहीं करी, तो एग्जामिनर भी बेटा आपको आपके आंसर शीट में मार्क्स शो नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने ज्यादा और प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, अपने आंसर को प्रॉपरली वहां पर एक्सप्रेस करना है वर्किंग नोट में। तो इन 2 वजह से हमारे मार्क्स मिलते हैं। अब मैं बात करूं प्रेजेंटेशन की, इस पॉइंट में ना किसी बच्चे का ध्यान नहीं जाता है बट इसके जो पॉइंट है इसके जो मार्क्स हैं अलग से मिलते नहीं है बट 100% रोल बेटा इसका मार्क्स डिडक्शन में होता है, और मैं कहूँ 40-50 मार्क्स आपके एग्जाम में इसी की वजह से कटते हैं। मेजरली 3 पॉइंट्स में बेटा आपके आपका प्रेजेंटेशन है, जैसे कि सबसे पहला आता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म का यूज करना ICAI बिल्कुल अलाउ नहीं करता। जैसे कि आप क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट की जगह INV. लिख दिया जल्दीबाजी में, लाइब्रेरी की जगह LIAB. लिख दिया, एक्सपेंसेस के जगह EXP. लिख दिया, ऐसे 100 शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं आप, ऐसा बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता ICAI। तो आपको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करनी है। सेकंड आता है फॉर्मेट प्रॉपर ना बनाना। फॉर्मेट प्रॉपर ना बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट प्रॉपर बनाना है, उसके अलावा बेटा आपका आंसर बिल्कुल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है, प्रोविजन एनालिसिस कंक्लूजन ये सारी चीजें होनी चाहिए। अकाउंट बना रहे हो तो डेबिट क्रेडिट लिखा होना चाहिए, इसे कहते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का प्रॉपर यूज होना चाहिए। हाँ जी, इसके अलावा ओवरराइटिंग के मार्क्स बहुत कटते हैं बेटा आपके एग्जाम में। जैसे कि आपने लिखा पहले इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ये M की जगह N बन गया, तो यहाँ पर आपने ओवरराइटिंग कर दी, या फिर 1 लाख लिख दिया आपने और लिखना था कितना 10,000, तो आपने यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो ओवरराइटिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे और एग्जाम में आप ये गलती नहीं करके आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी ये मार्क्स कटने से बचा पाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन।